अम्मी अम्मी मुझे भूख लगी है अम्मी। बेटी कुछ देर बाद तुम्हें खिलाती हूँ, पहले फूलों को तो बेचने दो, तुम अभी घर जाओ। हाँ घर पे रोटी है। हाँ जाओ घर पे रोटी रखिए। मामू मेरी मिठाई कहाँ गई? अरे रे मैं मिठाई खरीदना भूल गया बेटी, कल लेके दूंगा ठीक है। हे सलीम मैं भी खेलूंगी, चल हट। वालेकुम सलाम। असीम भाई जानते हो हमने केरल में जो धमाके करवाए हैं और इस जीत की खुशी में हमारे जिहादी भाई हमें बधाई दे रहे हैं। इस जीत का सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है, तुमने अकलमंदी से काम को अंजाम दिया तभी हम जीते, अल्लाह की मेहरबानी से ये कामयाबी हुई। नहीं असीम भाई मैं तो बस एक जरिया था, हमारे कई जिहादी भाई जिहाद के लिए कुर्बानी दी है और फिर उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और बहुत जल्दी हमारी नई जंग का आगाज होने वाला है। अंत में जीत हमारी ही होगी, अल्लाह हमें कामयाब बनाएगा। डरना मत, तू एक मुजाहिदीन है, जिहाद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला। ए मुजाहिदीनों आज हम एक जंग के सामने हैं, एक दिन ये पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी, सारे लोग हमारे तलवे चाटते रहेंगे। मेरे भाइयों आज हिंदुस्तान के सारे अविश्वासी हमसे खौफ खा रहे हैं। केरल में हमने जो बम ब्लास्ट किए थे वो बहुत ही अच्छा था, वहाँ सैकड़ों लोगों को हमने मारा और इस बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी हमने ले ली। जो बम ब्लास्ट केरल में हुआ था उसकी दाद हमने तहे दिल से उन्हें दे दी। We'll be right back.
करके, सर पे गोली मार के, उनकी सरकार को नस्ते नाबूद करके अल्लाह की सल्तनत यहाँ बनाने के लिए, इस जिहाद को फतेह करने के लिए अल्लाह के नाम पर हम कदम उठाते हैं। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। मजहब के बारे में सोचकर तुम खामखां परेशान क्यों हो रहे हो? ये बातें दिल से मत लगाओ। ये बात नहीं है अब्बू, बहुत सारे शक हैं। मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। वो खुद तुम जान जाओगे, थोड़ा सब्र रखो। अभी पढ़ाई में ध्यान लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, और उसी तरफ ध्यान दो तुम बेटे। मैं बोर हो गया हूँ उस महानगरी से, वहाँ तनहा महसूस करता हूँ। मैंने तभी कहा था, पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ कोई छोटा क्लिनिक खोल लूँगा मैं, एक नॉर्मल डॉक्टर बनके। पर आप दोनों नहीं माने। MD स्पेशलाइजेशन क्या हुआ? अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा अब्बू। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? अचानक तुम्हें ये बदलाव कैसे आ गया? चेहरे पे हंसी नहीं, खुशी नहीं, कहाँ गई तुम्हारी वो खुशियाँ? बताओ बेटा, हम लोग सोच रहे थे कि तुम पढ़ाई ख़त्म करके जल्दी ही घर वापस आ जाओगे। हमारे लिए बस तुम ही सब कुछ हो जिंदगी में। जावेद, अपने काम को कभी छोटा मत समझना। तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है, इसी बहाने सबकी सेवा कर सकते हो तुम, और सच्चे मन से करोगे तभी तुम समाज में सेवा कर सकते हो। तेई ता ति तेई तेई ता ता तेई तेई ता तेई तेई ता तेई तेई ता ति तेई मामू के साथ हम भी चलते हैं, ठीक है? पार्वती घर में ही है ना? अम्मी घर पे ही है। तो यहाँ क्यों नहीं आई? अरे ये क्या, काफी उदास दिख रहे हो तुम बेटा। रेसिडेंस एड्रेस भी इसमें है, तुम्हारे कॉलेज से 4 किलोमीटर की दूरी में है। अरे वही स्टेडियम के पास ही है। पकड़ो मम्मी। लाइए। कब लौट रहे हो? कल लौट रहा हूँ। हम तो 2 दिन बाद ही यहाँ से जाएंगे, गुरुवार को। है ना नंदन जी? ये रोज रोज कहाँ आने वाले हैं जावेद? अच्छा, जब भी वक्त मिले तो हमारे घर जरूर आना। शो, अच्छा चलता हूँ। ओके। हाँ। तुम बदल गए हो, पहले जैसा नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कहने का पहले की तरह खुलकर बोल नहीं पा रही हूं मैं।
पता नहीं क्यों। आज हम दोनों काफी समय एक साथ गुजारे, तकरीबन एक घंटा। मैंने सोचा कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर पूछोगे, मगर तुमने कुछ भी पूछा नहीं। मीरा, मैं तुम जैसा समझती हूँ वैसा। बस मुझे सफाई नहीं चाहिए, गलत कभी नहीं समझूंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम पढ़ाई में बहुत बिजी हो, उसका टेंशन, और फिर मीरा वो। मुझे कोई शिकायत नहीं है, हमें याद रखना बस। इंतजार कर लूंगी जब तक भारत नहीं लेके आते। यार तुम क्यों इस तरह से हमसे भाग रहे हो? आज तो तुम मुझे मिल ही गए, ये मेरा सौभाग्य है। जरूर तुम्हें कुछ न कुछ हुआ है, आजकल तो तुम रेगुलरली कॉलेज भी नहीं आ रहे हो। क्यों यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेनेसडे तुम घर आओगे मुझे पता था, फिर मेरे आते तुम भाग क्यों गए? हाँ अबू से कोई जरूरी बात कर रहे थे, अम्मी ने बताया मुझे। क्या बात थी वो? हमारी शादी की बात थी। दिया, तुम जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार तुमसे बोलने की कोशिश की पर तुम। नो जावेद, मैं तुम्हारे दिल को पढ़ सकती हूँ। शिट, गुस्सा थूक दो। इसी पल से इस मुद्दे को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? आइंदा इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम ही अपनी मर्जी से एक अच्छा फैसला करो। फ्रेंड साक्षी है, यू इंडिया चैनल में काम करती है। तुम यहाँ कैसे, किसी की पोल खोलने आई हो? नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। चलो मेरे साथ, एक बात करनी है। जावेद अभी आती हूँ। आओ बैठो। जावेद, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बारे में आजकल बहुत कुछ सुन रहा हूँ, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मगर तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत है, वेरी डेंजरस। तुम्हारे जैसे वो भी कोई अकलमंद लड़का इस तरह किसी आतंकवादी के चंगुल में फंस गया कहे तो इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मजहबी सब कुछ है और उसकी इज्जत करना मत भूलो, लेकिन उससे भी बड़ी है इंसानियत। लुक प्रोफेसर जलालुद्दीन, आप एक विद्वान है और फिलोसोफर भी, इसीलिए आपकी कदर करता हूँ। बट डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी, मेरे ख्यालों के साथ खेलो मत। मेरे निजी मामलों में किसी का दखल देना मुझे पसंद नहीं है। जावेद, न्यू इंडिया चैनल ने जब से मुझे बाहर किया तब से मैंने भी सोच लिया कहीं काम नहीं करूंगी, अब मैं बिल्कुल मस्ती में हूँ। फील लाइक अ बर्ड। यानी चैनल वालों के पास कोई काम नहीं है? एक चैनल नहीं तो हजारों चैनल है हमारे देश में, अगर दिमाग है तो हजारों काम मिलेगा तुम्हें इस देश में। सुना है ना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आजमा के देख लो, तुम किसी को तबाह कर सकती हो, हरा नहीं सकती।
इस तरह सबके सामने हारने के लिए दिल नहीं मानता। तुम्हें तो मान गई मैं। तुम्हारा नया प्रोग्राम क्या है? हाँ, एक प्रोग्राम है, सेंसेशनल इश्यू है, बट वेरी डेंजरस। इस्लाम टेररिज्म का मुद्दा है। यहाँ जो धमाके हुए उस पर एक इन्वेस्टिगेशन। ग्लोबल विजन टीवी इस प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो गए हैं और न्यूज़ एडिटर ने भी मदद करने का वादा किया है। ऐसा है तो तुम्हारे करियर में एक ब्रेक थ्रू होगा ये प्रोग्राम। यस, सच्चाई को बाहर लाना ही है, अ रियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियलिटी। और काम पूरा होते ही तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? मुझे डर? वो मेरे खून में नहीं है माय डियर, झांसी की रानी हूँ मैं। आज तुम उदास क्यों हो? नहीं तो क्या है? हमारे रिवाज के अनुसार अगर तुम पर्दा पहन के चलोगी तो कैसी लगोगी, यही सोच रहा था मैं। बहुत अच्छी लगेगी ना माँ? बोरिंग है पर्दा वगैरह। अरे नहीं, वो तुम इसलिए कह रही हो कि तुम बचपन से लेकर आज तक ऐसी ड्रेस पहनती हुई आई हो। हमारी पोशाक ही हमारी पहचान है, रिलीजन कल्चर सभी उसी से मालूम पड़ेगा। देखो तुम शक मत करो, तेरा ये भाई सीरियसली बोल रहा है। कुछ दिनों से मैं तुमसे ये सब बोलने ही वाला था, तुम्हारे ये स्टाइल अपीयरेंस वगैरह बदलना होगा। भाईजान, अरे सच बोल रहा हूँ मैं, तेरे लिए बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारे ये मॉडर्न स्टाइल ही सबको चुभ रहा है। यही प्रॉब्लम रहेगी तो निकाह कभी नहीं होगा, अच्छे से तुम सोच लो दिया। आई जस्ट कांट बिलीव दिस, क्या मेरा भाई बोल रहा है ये सब? मुझे मॉडर्न आउटलुक देने वाले, मॉडर्न कपड़े पहनने के एडवाइस देने वाला मेरा भाई बोल रहा है? मैरिज और ड्रेसिंग वगैरह लड़कियों की अपनी पसंद होती है, उसमें टांग अड़ाने का हक किसी को नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं और वो भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। दिया, हमने तुम्हें हद से ज्यादा आजादी दी है, मगर अब तुम्हारी आजादी छीनी जाएगी। इस्लाम में औरतों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। और सुनो, वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है और तुम्हें उसका पालन करना ही होगा। किस जमाने में जी रहे हो तुम? यही है तुम्हारा असली चेहरा? तुम मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, न जाने किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। क्यों, तुम पर लागू नहीं होता है ये कानून? दिया बस, और भी मुझे बहुत कहना है। तुम बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहे हो। दुनिया के हर कोने में औरतों को सताया जा रहा है पर्दा ना पहनने के कारण। मोहब्बत करने वाले औरत और मर्द को तुम्हारा कानून फांसी देता है। तुम में और आतंकवादियों में क्या फर्क है? अरे उसे छोड़ दो, बोला ना। जब इसे पसंद नहीं है तो क्यों करने के लिए बोलती हो? तुम इस बेहया को समझाती क्यों नहीं? जुबान चलाती है। हेलो। हेलो जावेद, जावेद तुम कहाँ हो? क्या बातें बताओ? मुझे तुमसे मिलना है और बहुत बातें करनी है। जानते हो भाईजान पूरी तरह से बदल गया है, मेरा वो भाईजान नहीं है वो। हाल ही में कुछ बदलाव आया है, आज उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा, मुझे डर लग रहा है जावेद। हेलो हेलो जावेद, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, तशरीफ रखिए साथियों। अल्लाह के फरमान को पूरा करने के लिए और अल्लाह की सल्तनत को दुनिया में कायम करने के लिए दुनिया भर में जितने भी मुजाहिदीन हैं सबको एक होना होगा, तब जाकर हम अल्लाह की हुकूमत को इस दुनिया पर कायम कर पाएंगे और इस जंग में
अगर हम कामयाब हुए तो हम पर अल्लाह की रहमत जरूर बरसेगी, और शहीद हुए तो जन्नत में हमें हूरे मिलेंगी। जिहाद की आखिरी कामयाबी के लिए हम में से हर एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। खुद को मजबूत करो, तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है तुम लोगों से। जब तक काफिरों को मटिया मिल नहीं करते तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। मेरे जिहादी साथियों, अल्लाह के दिए इस रिजक को कबूल करके आप लोग कदम आगे बढ़ाएं। ये एक तोहफा है जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह के बंदों की तरफ से दिया जाता है, एक छोटा सा तोहफा। इस पर मुझे पहले से ही शक था, गद्दारी की तनख्वाह मौत है, ये सब समझ लो। हाँ, अमीशा एपीएस का प्रवक्ता है, बंगाली। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए हैं। उनका मकसद है अल जिहाद को पूरी दुनिया में फैलाना। वहां भी हमारा एक आदमी है, काफी अकलमंद है। वहां पहुंचने के लिए उसने एपीएस के बड़े लोगों से भी मिला और कई लोगों ने उसकी सिफारिश भी की। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर हो, टिपिकल ब्यूटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैन, तुम मुझे सो कॉल्ड शर्मिली मत बनाओ यार। इस मिशन में ही टिका हुआ है मेरा करियर। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे एक बहादुर लड़की बनना है। ओह, सरप्राइजिंग। तुम्हारी बैकिंग ही मेरी ताकत है। ओके, बाय। समझ गई, दैट बड़ा जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, योर? यस, माय ओन। टेररिस्ट की तरफ से मैं बोल रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है। प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा मेरे साथ। हंसो मत, अगर मैं फंस गई तो सोच लेना कि तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करो। सर, ब्लास्ट के बारे में? नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं बोलूंगा। शूट करो। हेलो, सुनो, यहाँ फोन करना मना है। जलाल। हमारा मजहब ही दुनिया में पाक मजहब है। हम ये जो कदम उठाए हैं उससे दुनिया के मुसलमानों को बहुत फायदा ही होगा, ये समझ लीजिए आप। आपको पता है 100 बरस से हम लोग जुल्मों सितम सहते आ रहे हैं। हम मिलजुल कर दुनिया से काफिरों को मिटा कर दम लेंगे।
इस्लाम को खतरों से बचाने के लिए ही ये जंग छेड़ी है। दुनिया के कोने कोने में हमारे लोग हैं। केरल, आसाम और हैदराबाद हमारे काबू में है। हमें कामयाबी दिलाने के लिए कुछ काफिर लोग भी हमारे साथ हैं। हमारा मकसद है कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना। एक जिहादी कई हिंदू औरतों के साथ निकाह कर सकता है, चाहे वो दोस्त की बहन ही क्यों ना हो। जिहाद लॉ में सब कुछ जायज है। तकरीबन करोड़ों जिहादी इस मुल्क में पहुंच चुके हैं। एक इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी साथियों से यही गुजारिश है मेरी, ये अल्लाह का फरमान है और उनके फरमान को। हथियार रखने से कुछ नहीं होगा, सरकार की मदद भी चाहिए हमें।
हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलाने वाले एक मास्टर प्लान को आपने हम लोगों को सौंपा है, और उस प्लान के मुताबिक आपके दिए हुए काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी हमारी है। एक लॉन्ग टाइम प्लान, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सिर्फ धमाके ही धमाके कराने। हिंदुस्तानी आपस में लड़कर मरेंगे और याद ही मारेंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, लिख के रख लो। वो सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, वो सब कैसे हो गया? तुम फिक्र मत करो, चाहे तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगी। मुझे लगा कि मैं तन्हा हो गई हूँ, एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ यहाँ मैं। अब कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगी, किस तरह उनसे बातें करूंगी? दिया, पुरानी बातों को रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं। उन दिनों मुझे उनकी बातें बस यूं मजाक लगती थी, मगर आज मैं उनको अच्छे से समझ गई हूँ। कल भाईजान का मुझ पे हाथ उठाना, पर जावेद भी। दिया, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, मेरे खातिर इस प्रोग्राम को मत छोड़ना। आई नो यू वेरी वेल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में तुम बहुत कुछ कहा करती थी, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी भर तुम्हें इस पाप को ढोकर चलना पड़ेगा। दिया, तुम मान गई थी ना मेरे खातिर इस प्रोग्राम को छोड़ना मत। अबू और भाईजान से इस बारे में बात करने में मुझे बहुत डर लगता है, आज नहीं तो कल सब पकड़े जाएंगे। आखिर कितने दिनों तक इस राज को छुपा पाऊंगी मैं? मुझे नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी। उन सबको तबाह होने दो, मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी। यू कैन फॉलो अप दिस, लेट द वर्ल्ड सी, फिर कुछ भी हो जाए सह लूंगी मैं। ए दिया, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, दैट्स इनफ। देखिए, अरे वही है ना, क्या है दिया? क्या हुआ? दिया, आंख में कुछ पड़ गया है। कहाँ? जरा दिखाओ तो। चला गया। भाईजान, ये जावेद है, मेरे कॉलेज में न्यूमरोलॉजी में एमडी कर रहा है। अरे वाह। जावेद, ये मेरे भाईजान है। हेलो, मिलके खुशी हुई। आइए बैठते हैं। प्लीज हैव इट। जावेद मोहम्मद, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मोहम्मद हुसैन मोहम्मद का ग्रैंडसन, और फिर मौलवी मालिक मोहम्मद का बेटा। इस किरदार के बारे में तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया दिया? क्यों, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है?
एक बात कहूं दिया, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, अ परफेक्ट जोड़ी। कोशिश करके देखो, ओके? जिंदगी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है जावेद। जिस दिन मुझे पता चला मेरे अब्बू और मेरे भाई जान एक आतंकवादी हैं, तभी मैं मर गई। ये मत पूछना कि ये जानकारी मुझे कहां से मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी उनके साथ रहोगे। इस बारे में मैं उन दोनों से कभी बात भी नहीं कर सकती। मेरा सहारा तुम ही हो। तुम लौट कर आओ जावेद, तुम जहन्नुम में जा रहे हो। दिया, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ प्लीज। देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे गाइड किया। तुम्हारे अब्बू और भाईजान से मिलने तक मैं एक जाहिल था। पता है तुम्हें, अल्लाह ताला के बारे में बताकर उन दोनों ने आज मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। उस दिन से मैंने एक सच्चा मुसलमान बनने का फैसला जो ले लिया है। गैर मुसलमानों को ख़त्म करो, और कई लोगों को मैंने मारा भी। खुद को इतना बुलंद करूंगा कि कोई भी काफिर मुझे देखते ही कांप उठे। स्टॉप जावेद, इस तरह सोचने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नफरत नहीं, मोहब्बत ही मजहब का संदेश है। सोच में और दिमाग में तुम मुझसे कई आगे हो, फिर भी तुम आतंकवादी बन गए हो ना जावेद? तुम जाहिल कब से बन गए? दिया देखो, मुझे रोकना मत जावेद। वो तुम्हें फंसा रहे थे, मुझे मोहरा बना रहे थे मेरे अब्बू और मेरे भाईजान, और फिर तुम भी उनमें से एक आदमी बन गए। एक बात मैं आज अच्छी तरह से समझ गई। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं तुम्हें सुधार लूंगी, लेकिन वो सब मेरा वहम था। जावेद, एक बात याद रखो, तुम मुसीबत के दलदल में फंस गए हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। जब तक तुम आतंकवादी का चोला उतार कर नहीं फेंकते, तक हम नहीं मिलेंगे, अल्लाह कसम। दिया, 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 मेरी एक गुजारिश है तुमसे, तुम ये सब किसी से नहीं कहोगी, वरना मुसीबत में फंसोगी। दिया, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ये बात तुम जानती हो ना? हथियारों का जखीरा लेकर हमारी गाड़ी जा रही पुलिस को कैसे पता लगा? बोल बे, पुलिस का मुखबिर तो नहीं है तू? खद्दारी का अंजाम तुझे पता तो है ना? तुम्हारी बातों से तुम बेगुनाह लग रहे हो, इसीलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें। अब जिहाद के लिए तुमने जो खिदमत की है वो सब सोच कर, और तुमने जो खून बहाए हैं और कई काफिरों की गर्दन काट डाली है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, मुआफी दे रहे हैं। सिर्फ इस बार ही समझ ले। मेरे साथियों, हमने जो धमाके करवाए हैं उस सिलसिले में हम तुरंत पकड़े जाएंगे, ऐसी खबर मिली है हमें। असीम भाई, हमें एहतियात बरतनी होगी, जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। काफिरों के खिलाफ दिल में नफरत होनी चाहिए। काफिरों के हाथ से मरने से बेहतर यह है कि खुद को मौत के मुंह में धकेल दो, तभी जन्नत में हमें हूरे मिलेगी। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। Yeah.
The cause of death should be brain damage. That's what I can infer. Often theories are very different. लेकिन सर किताब में जो है Of course. जो विवरण किताब में है उसे इग्नोर मत करना. Practical things have to be given more importance. It's a question of your discretion. Professor Jalal Halil? Yes. I'm Ravi Shankar, SP from NIA, National Investigative Agency. Nice to meet you, sir. He is Inspector Kabir. Hi. Hello, sir. What can I do for you, sir? See, Professor, आपके students के बारे में कुछ information चाहिए मुझे, और वो है Mr. Javed. आप डरिए मत. छोटा सा शक है. That's all. आपको, आपके कॉलेज को या students को हमारी ओर से कोई परेशानी नहीं होगी. You can trust us. जावेद मेरा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ लोग मिलकर उसे मिसगाइड कर रहे हैं, ट्रैप कर चुके हैं, वरना ऐसी गंदी सोच उसके दिमाग में पनपता नहीं, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई है. जावेद टेररिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व है, यही कहना चाहते हैं ना? नो नो, मेरा कहने का मतलब यही नहीं था. ऐसी सोच से परेशान है वो, और सोच की गहराई में डूब गया है. मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, नाकाम रहा. वो अपनी बात पे हमेशा अड़ा रहता था, यही उसकी कमजोरी है. कई बार वो मुझसे खफा भी हुआ है. खुद पे भरोसा नहीं है इसलिए खफा होता है. वो जो कुछ भी कर रहा है, कह रहा है, उसी पे उसको यकीन नहीं है. इसके बावजूद किसी भी टेररिस्ट अटैक में या बम धमाके में शरीक होने वाला कोई शातिर आतंकवादी कहे तो मेरा जवाब नकारात्मक होगा. उसमें ऐसी हिम्मत नहीं है, बेशक उस पर ऐसा शक मत करना. आई थिंक यू आर राइट प्रोफेसर. काश आपकी बात सच निकले, पर दाल में कहीं कुछ काला है. जावेद की सोच में कहीं जिहाद की जड़ें जम चुकी है. उसकी सोच से किसी और की सोच तक फैल सकती हो, वरना सोच के दूसरे ताप से हम उसको जलाकर राख कर देंगे. जिहाद के बारे में लेख लिखने वाले एक प्रोफेसर से यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं मुझे, बट There are chances. Anyway, मैं एक pessimist हूँ प्रोफेसर. वैसे हर एक को शक की नजरों से देखना मेरी आदत है. फिर भी आपने जो भी कहा वो सच हो, यही मेरी ख्वाहिश है. मैंने सफर अभी शुरू ही किया है. हम फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे. Definitely सर. Okay. Okay सर. Thank you. हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन ये सुने तब ना, फिर भी हमें मारने के लिए हथियार की धार तेज कर रहा है. हमारे मजहब के दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है. फिनिश हिम. कल का सूरज ये देख ना पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. वहां बच्चों को डांस सिखाकर नौकरानी की तरह जीना ही जिंदगी नहीं है. वो बात नहीं है दीदी, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो. ठीक है. तुम्हारी किस्मत अच्छी है. तो तुम्हारी राय है कि मैं चली जाऊँ? हाँ बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ. एक मिनट रुकना. नंदन, नंदन, आई एम रेडी. माँ के बारे में सोचकर तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा. ठीक है, मैं फोन करती हूँ. मुन्ना को प्यार देना. हाँ अच्छा बेटी. ओके. मीरा का फोन था. अच्छा सुनो, उसे दिल्ली में भरतनाट्यम कोर्स करने के लिए एक अच्छा सा ऑफर आया है. अच्छा. जिंदगी सवर जाएगी मीरा की. वो हैप्पी है क्या? फिर नहीं तो क्या. उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना. यहाँ जिंदगी तबाह होने से बेहतर है वहाँ उसकी जिंदगी सवर जाए. जब मशहूर बन जाएगी तो मैं भी अपने दोस्तों से कह सकता हूँ कि मेरी साली है वो. बेचारी घर के बारे में सोचकर
बहुत परेशान है। अरे वो सब हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। अरे सुनो, बेटे को भी ले लो और जल्दी चलो। चलो बेटा तुम्हें। अरे 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 आजा मेरे पास आजा। जिहाद के नाम पे बेगुनाहों को मारते हैं। जाने ली है मैंने, बहुत भार उसकी वजह भी बना हूं मैं। खून से सना है ये हाथ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिहाद, ऐसे जिहाद नहीं करना। अबू, किसी से कहूं ये सब मैं? जिहाद के नाम पर हम पाप कर, बहुत बड़ा पाप। आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं, मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। अबू, खूनी नहीं हूं, जिहादियों ने मुझे खून भी करवा दिया, खूनी नहीं हूं, कसम से। So brilliant and extraordinary. मारक धमाके के बाद का एक अनुभव है ये। एक बार छूटा तो वापस न आने वाला ब्रह्मास्त्र है ये। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये कभी ऐसा होगा।
मगर एक उलझन है। वो क्या है सर? मेरी सीमाओं से तुम वाकिफ हो ना, निस्सहाय हूँ मैं। जो कह रहा हूँ उसे तुम सही मायने में लोगी, मुझे विश्वास है, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप आखिर बताना क्या चाहते हैं सर? फ्रेंकली कहूँ तो मिस्टर बिलाल जलील हमारे मेन प्रमोटरों में से एक हैं, उनकी बात को भूल जाओ। मगर एपीएफ की बात वो नहीं है, दुश्मनों पर कभी रहम नहीं दिखाता ऐसा आदमी है वो, भून डालेगा हम दोनों को वो। क्या आप इतने डरपोक हैं? आखिर आप क्या काम करवाना चाहते हैं मुझसे? सिंपल काम, तुम इसे री एडिट करोगी, मेक इट समथिंग डिफरेंट, बेकार की चीजों को काट दो ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हमारे न्यूज एडिटर को भी साथ में ले लो, वो जो भी कहे तुम वैसा ही करना। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हारना हो तो इससे पहले जहाँ नौकरी करती थी उसे छोड़नी नहीं पड़ती। आप पे भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, इसकी भनक मुझे पहले ही मिल चुकी थी। जिंदगी को दाव पे लगाकर मैंने ये सबूत इकट्ठा किया। तुमने मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लिया है, इसकी सीरियसनेस क्या है ये तुम नहीं जानती हो, इसलिए। जानती हूँ सर, सीरियसनेस जानने के बाद ही ये काम करने के लिए मैं तैयार हुई। इसमें मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, मजहब के नाम पे लोगों का खून पीने वाले इन भेड़ियों का पर्दाफाश करके ही रहूंगी मैं, उनका असली चेहरा दुनिया को दिखा कर रहूंगी। मजहब और अल्लाह के खिलाफ वो गलत काम कर रहे हैं, हमारे देश की जनता इन आतंकवादियों को सबक जरूर सिखाएगी। कूल डाउन साक्षी, कूल डाउन, गुस्सा थूक दो साक्षी, यही तुम्हारा वीक पॉइंट है, ये पागलपन। मेरी बात मानो, वो तुम मुझे दे दो, हम कुछ करते हैं। नो सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप जैसे नामत से बात करके भी मुझे घृणा आ रही है। आपने सिर्फ गुलाम देखे होंगे, लेकिन सब लोग गुलाम नहीं है ये मत भूलना, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुड बाय। ये मत भूलना कि आग से खेल रही हो तुम। मैं जानती हूँ सर, आपको अपनी जान की फिक्र है, लेकिन मुझे दुनिया की फिक्र है। देख लेना आप खुद दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। राइट। इससे पहले ऐसा हादसा हुआ तो मैंने असीम भाई से उसी दिन बोला था कि उसके बारे में कोई फैसला जल्दी ले लो। हां साक्षी, साक्षी रिपोर्टर। जाबाजों को जन्नत मिलने का मौका आ गया है, और फिर पूरे दक्षिण भारत में समीर के नाम से दहशत फैलेगी, मुजाहिदीन के नाम से पूरी दुनिया में खौफ मचना चाहिए। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। जाबाज जिहादी, खुशामदीद, खुशामदीद। ये है तुम्हारा साउथ इंडिया का पहला टारगेट, साक्षी, साक्षी अग्रवाल। रिपोर्टर है वो, नॉर्थ इंडिया की रहने वाली है और फर्राटे से मलयालम बोलती है। और सुनो, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, इस बारे में जावेद को कतई खबर ना हो। बिलाल जलील की बेटी दिया की सहेली है साक्षी, जावेद के जरिए अगर दिया को खबर लग गई हमारा ऑपरेशन नेस्ट नाबूद हो जाएगा। मुझे शिकस्त से सख्त नफरत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में? जब भी काफिर मर कर गिरता है हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि काफिरों का हमारी खुशी के लिए तुम सफाया करते रहो, अगर वो बच गई तो हम मारे जाएंगे। जिहाद की राह में दीवार बनने वाला हर आदमी हमारा दुश्मन है, उन्हें मटिया मेट करना है। साक्षी तुम ठीक नहीं कर रही हो, हर मामले में इसी तरह जल्दबाजी करती हो, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ करने का प्लान करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। पिछले 2 महीने से यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, 2 बॉम्ब ब्लास्ट,
और 2-3 मर्डर और रेप। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है साक्षी। मैं जानती हूँ दिया, तुम्हारे डर का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। फिलहाल मुझे हिम्मत से काम करना होगा, और कोई चारा नहीं है। एक बाइक कुछ देर से हमें फॉलो कर रही है। तुम डरना मत दिया, दिन दहाड़े इस शहर में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब कुछ इसी शहर में हुआ है ये मत भूलो। उनके लिए किसी का खून करना कोई मुश्किल का काम नहीं है साक्षी, तुम उसे जाने दो प्लीज। मेरी बात तो सुनो ना। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे रविशंकर जी को पहुंचानी है इमीडिएटली। उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म। रविशंकर सर ही मीडिया के हीरो।
नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आपने पहचाना नहीं ना, मैं रविशंकर हूँ, यह है कबीर। एनआईए में काम करते हैं हम, जानते हैं ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हैं हम लोग। वासुदेव, दो तीन कुर्सियां लेकर तो आओ, हम लोग वहां बैठते हैं। अभी लाया। हमें और भी थोड़ा बहुत काम है, और सरकारी काम ही, यहां से जा रहे तो आपकी याद आ गई, और एक मुद्दत से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सोचा कि मिल के जाऊं, दैट्स ऑल। अचानक मेरी याद क्यों आई? आपने मुझे पढ़ाया है सर्वोदय हाई स्कूल में, 88 की बात है। 82 से 97 तक मैं वहीं स्कूल में था, कश्मीर से आने के बाद। सर जी, आपका नाम? टिंगू बुलाते थे। ओहो, जब आप टिंगू बुलाते थे तो मैं शर्म से लाल हो जाता था। रविशंकर नाम है मेरा। रविशंकर, ये नाम मेरी यादों में नहीं है, क्षमा करना, उम्र हो गई है इसलिए भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं मास्टर जी, मुझे याद करने के लिए उस दिन कोई खासियत मुझ में नहीं थी। तुम्हें जलपान देने के लिए पार्वती आज यहाँ नहीं है। फिर किसी दिन ले लेंगे जलपान, हमें जाना है। हाँ, आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा। वो अभी अरे बेझिझक बोलो ना, ये मेरे बड़े ही जिगरी दोस्त वासुदेव हैं, बचपन से लेकर अब तक यही मेरे साथ हैं। तुम बोलो। ट्रिवेंड्रम में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाला जावेद। जावेद मोहम्मद मेरा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा। वो एमडी कर रहा है, न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट है, आप जानते हैं उसे? वो नहीं, वो आजकल आतंकवादियों से। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा शक था मुझे, आतंकी वो कभी नहीं बन सकता, हमने ऐसी परवरिश दी है। जावेद नाम रखा मैंने उसका, ओपन हार्टेड, यही मतलब है उसका, सब कुछ खुले मन से स्वीकार करे, यही हमारी दुआ थी उस ऊपर वाले खुदावंत आला से। मजहब के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, हमने उसे इंसानियत के बारे में पढ़ाया है, और फिर समय होते ही वो खुद ब खुद जिम्मेदार होता चला गया। मेरा ये शरीर 85 साल का हो चुका है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। आप लोग चलिए। आप मुझे नहीं लेकिन इन्हें जानते होंगे, उस्ताद मोहम्मद हुसैन महमूद मेरे अब्बा थे, दूर दूर तक मशहूर थे वो, हिंदुस्तानी संगीत के सम्राट थे वो। कश्मीर से थे मेरे अब्बा, उनकी अम्मी कश्मीरी महिला थी और अब्बा मलयाली, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे मेरे अब्बा। फिर भी 20 साल की उम्र में वो अपने अब्बू के साथ यहाँ आए, फिर लौट कर नहीं गए, आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ जंग लड़ने वाले जाबाज थे वो, पूरा हिंदुस्तान घूम कर आए वो, सर्वोदय भूदान से शुरू होकर बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था अब्बा ने, उनके साथ मैं भी भाग लिया करता था, मुझसे जो हो सका मैंने वही किया देश के लिए अपने। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या? अरे काफी देर से आपके साथ बातें करते हुए बैठा हूँ। थोड़ी देर और बैठो। अरे वो बात नहीं, अरे पार्वती बेटी आ गई। अब तक गप्पे मारे हैं दोनों बेटे। अरे बेटिया मैं निकलने ही वाला था। हाँ। देखा तब तक तुम आ गई बेटी। तो बैठिए, चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं चाय की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाय तो पीकर ही जाना होगा, आप लेंगे? हाँ ठीक है। क्या करूँ बेटे, लगता है सो गया। कबीर वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है, व्यर्थ में मुझे उस देवता समान मास्टर जी से झूठ बोलना पड़ा। कबीर मुझे पछतावा हो रहा है, वो कितने नेक आदमी है ना। इट्स ऑल राइट, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ बात तो है कबीर, इनके जैसे कुछ लोग ही हमारी संस्कृति की रक्षा करते आ रहे हैं, 2400 घंटे इंसानियत की रोशनी को बुझने से बचाते आ रहे हैं मास्टर जी।
इनके जैसे महान आत्माओं के कारण ही जिहादियों को मौका नहीं मिल रहा है। उस देवता के मन की बात को आज मैंने पढ़ ली। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। तुम मेरे अपने हो, तुमसे कुछ छुपाया नहीं। लोग जो जी में आए कहते रहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से किसी को नहीं मालूम और मैं किसी से कुछ कहता भी नहीं। बारह फरवरी सन 1952 को मैं पहली बार अपने अब्बा के साथ कश्मीर पहुंचा। फिर 35 साल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, मजहब के बारे में तालीम दी मैंने। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा वक्त था वो। आज के जैसा कश्मीर नहीं था वो। मुल्क के बादशाहों ने इसे ज़मीन की जन्नत कहा था। खूबसूरत वादियाँ, पुराना कश्मीर। जैसे ही सन 1987 आया तब कश्मीर घाटी में जिहाद पूरी तरह से चालू हो गया। उसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल में एक और मलयाली अध्यापक थे। वो ब्राह्मण थे, नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को वहाँ जाने के लिए किसने प्रेरित किया? ब्रह्मदत्त की दिली ख्वाहिश थी कि वो वहाँ जाकर बच्चों को संस्कृत सिखाएं, और उसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहा। ब्रह्मदत्त का परिवार हमारे पड़ोस में ही रहा करता था। हम आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। एक दिन मैंने देखा कुछ आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। 13 मार्च 87 का दिन था वो। कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फल फूल रहा था। आतंकियों का अड्डा बन गया था हमारा ये खूबसूरत कश्मीर। मैंने सोचा कहीं आतंकी उनकी पत्नी का भी खून ना कर दें। मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। वो अपने पति की यादों को छोड़कर मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरे बहुत समझाने के बाद उसके पास जो कुछ था वो सब लेकर मेरे साथ वो यहाँ आ गई। हम लोग आतंकियों की नज़र बचाकर बर्फीली पहाड़ियों में छुपे रहे, काफ़ी दिनों तक छुपे रहे। गिद्ध की तरह उनकी कातिल नज़रें हमें बराबर ढूंढ रही थीं। भोर होते ही पहली बस से हम लोग कश्मीर से रवाना हुए। मैं उन्हें लेकर ब्रह्मदत्त के घर पहुंच गया। उसके बाद भाभी के घर पहुंच गया, मगर किसी को उन पर यकीन नहीं आया और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसे एक मुसलमान के साथ आने के कारण उन लोगों ने उसे घर से बेदखल करके उसका पिंडदान भी कर दिया। हे राम, हमारे आगे अब दो ही रास्ते थे। या तो मरो या फिर एक साथ जिंदगी जियो। मैंने दूसरा वाला रास्ता चुन लिया। इस तरह अब्बा के पुराने घर को ठीक करवा हम दोनों यहीं बस गए। वैसे पार्वती, मुझसे 25 साल छोटी है। क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब है पार्वती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। हमें जिसकी उम्मीद नहीं ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ। दिल को दहला देने वाला कार्य। ये शायद आपकी सोच ही है, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ,
उससे बहुत कुछ कहने का जी चाह रहा है। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए हम उसे यहाँ जरूर बुला लेंगे। जरा लेटने दो, मुझे बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। दवाई नहीं खानी? नहीं पार्वती। समाज, परिवार, मोहब्बत, इनका एक जिहादी की जिंदगी में कोई काम नहीं। तुम एक मुजाहिदीन हो, सिर्फ इंतकाम की जुबान समझते हो। इस तरह के ख्यालों को जब दिल से निकालोगे पूरी तरह से, तभी असलियत में जिहादी बन पाओगे। दिल को पत्थर बनाओ, तभी कामयाब होगे। मकसद ही मंजिल है, ये हमेशा याद रखो। काफिरों पर रहम नहीं करना है। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, इन सब की मोहब्बत को भूल जाओ। ये सब कोई तुम्हारे रहबर नहीं है। अल्लाह के बोल और अल्लाह का साम्राज्य, यही है तुम्हारे जिहाद का सही रास्ता। इसे गांठ बांध लो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? काना कहकर पुकारती हूँ मैं इसे। आपके माँ बाप ने भी आपको ऐसा कोई नाम दिया होगा ना? ओहो, सर में तेल ही नहीं लगाता है ये। कैसा था मेरा बच्चा? अरे तुम लोगों के मुंह पे खुशी क्यों नहीं है? उदास क्यों हो तुम लोग? कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ काना कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आखिर क्या हुआ है तुम लोगों को? माँ जी वो ये है कि... नहीं, कुछ मत बोलो तुम लोग। अरे बैठो यहाँ। अम्मी प्लीज। सैयद भाई, अबू मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए मैं आया। नहीं, जिहाद करना तुम्हारा काम है। रिश्ते नाते के लिए कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। जिहादी बनते समय तुमने कसम खाई थी, याद है ना? लौटना पड़ेगा, अभी लौटना पड़ेगा। आगे मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। नहीं नहीं भाई। अरे तुम तीनों यहीं पर बैठे हो क्या? खाना लगाने वाली हूँ मैं। तुम लोगों को स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम्हें भी मजा आएगा। तुम्हारे लिए ही माँ ने आज खाना बनाया है। हाँ बेटा, खाना खाने के बाद जरा मीरा के घर हो आना। नंदन की मौत के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई, जाना भूलना नहीं बेटा।
लेके आओ। आजकल यही काम है, बच्चे को नहलाना, बर्तन वगैरह धोना। ये कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं अबू। मैं समीर। यह है मीरा। मेरे बारे में इन्होंने कभी बताया नहीं होगा। आओ अंदर आके बैठो। ए आजा 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 आजा। पढ़ रही हो? समझो बंद हो गई। जीजा जी के मरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। वेकेशन के बाद कॉलेज नहीं जाने का फैसला कर लिया मैंने। दिल्ली से एक ऑफर आया था भरतनाट्यम रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए। वो भी यहाँ काम के लिए कुछ चाहिए ना। माँ भी बहुत बीमार है, भैया के बारे में तो जानते हो ना, और फिर दीदी ही है। ये सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन भी किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। हम बस सपना देखते हैं और जिंदगी हमें कहीं और ले जाती है। सब विधि का विधान है समझकर भुलाने का प्रयास कर रही हूं मैं। माँ अस्पताल गई है, वही पुरानी बीमारी। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। खड़े हैं आप? कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने आपको। सुनिए पानी गर्म हो गया है। देखिए जल्द नहा कर आइए। दीदी दीदी हालत बिगड़ती ही जा रही है जावेद। ऐसा लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर यही हाल रहा तो
मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे जीजा को मारा क्यों? उनकी पत्नी और बच्चा ही उनके लिए उनकी दुनिया थी। जिसने भी मारा वो सड़ के मरेगा। मीरा मैं चलता हूँ, माँ से कहना कि मैं आया था। जावेद एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, अब भी तुम्हारा इंतजार करूँ क्या? सोच रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही। चलो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये कभी नहीं सोचा कि तुमसे कभी ऐसी बातें भी करनी पड़ेंगी मुझे। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं जो तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकती हैं। मैं एक पक्का कट्टर मुसलमान हूं, वो मेरा निजी मामला है और रहेगा। मेरे यकीन को तुम नहीं तोड़ोगे, मुझे भरोसा है। तुम एक मुसलमान हो और कोई कहे कि तुम अपने पड़ोसी से नफरत करो, उससे बड़ा जालिम कोई और नहीं हो सकता। बेटे देखो, मजहब अलग है और रास्ते दोनों के एक ही हैं। अल्लाह के पास पहुंचने के रास्ते और एक ही मकसद तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। ध्यान और उपासना के जरिए भी अल्लाह तक पहुंच सकते हो। प्रेम और मोहब्बत भी एक रास्ता है, न कि शैतान का वो रास्ता नफरत। परोपकारी और करुणामयी है हमारे अल्लाह, ये हमारी पाक कुरान की आयतों में लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़कर देख लो। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। तुम शायद जानते हो मोहम्मद साहब पैगंबर को, अल्लाह ने उनसे यही कहा था। अबू तुम उसे ये सब क्यों बोल रहे हो? बस यूं ही, मुझे तुम पर भरोसा है इसीलिए बोल रहा हूँ। इंसानियत के खिलाफ तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तुम्हारी राह में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन तेरे पास जो किताब है उसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया, मुझसे गलती हुई है। बिना पूछे मैं किसी के कमरे में नहीं जाता। फिर भी अबू तुम इतने गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं। तुम अनसिविलाइज की तरह बात कर रहे हो, दूसरों के निजी मामले में टांग अड़ाना, बैग वगैरह ढूंढना। मैंने कहा तुमसे कि मैंने जो किया वो गलत था, उसके लिए तुम मुझे माफ करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी गुस्ताखियों को भूल जाऊंगा। तुम पढ़े लिखे जहीन हो, सोचने समझने के लिए दिमाग है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हो? बेटे बहुत से सवालों का जवाब वक्त के पास होता है, तुम्हारे रास्ते में सिर्फ धमाका ही धमाका है। कोई भी खलीफा अपने बच्चों को जेहादी नहीं बनाता है और ना बनाएगा। कभी मौका मिल जाए तो जरूर उनसे ये सवाल पूछ लेना। प्लीज अब्बू, 27 साल का हो चुका हूँ मैं, मुझ में भी कुछ अकल है, सोचने का वक्त मुझे दे दो। बेटा 85 साल का हो गया हूँ मैं, इन पके बालों के तजुर्बे को तुम कभी झुठला नहीं सकते, समझ रहे हो ना? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आप आइंदा इस बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ और बोलना है तो बोलिए। क्या हुआ?
हुआ बोरी? अरे क्या हुआ, आखिर क्यों तुम अपने अब्बू से लड़ रहे थे? अब्बू से झगड़ा किया तुमने? सुनो, रास्ते फासले मिटाने पर ना मिटे फासले कभी, टूटे ना ये रिश्ते कभी, रूठे ना दिल तुझसे कभी। क्या यकीन इंसान का, क्या यकीन इस जान का, दर्द मिला इतना कि होता नहीं विश्वास भी, दर्द मिला इतना कि होता नहीं विश्वास भी, होता नहीं विश्वास भी। ढूंढे रास्ते फासले मिटाने पर ना मिटे फासले कभी। से हर किस ना उगे ये सूरज, फिर क्यों कोशिश करते हो तुम? उत्तर से हर किस ना उगे ये सूरज, फिर क्यों कोशिश करते हो तुम? ना कर गम बदलेगा दिन ये कभी, जीवन में आएगी फिर से बहार। ना कर गम बदलेगा दिन ये कभी, जीवन में आएगी फिर से बहार। ढूंढे रास्ते फासले मिटाने पर ना मिटे फासले कभी। हेलो, क्या हुआ? मीरा की दीदी नहीं रही, सुसाइड कर ली। चलो लौटते हैं। नहीं, टूटे मन का दर्द किसे कहूं मैं, जो है सहारा वो टूट गया। टूटे किसे कहूँ मैं, जो है सगारा वो टूट गया। बंधन है अनमोल ये माँ बेटे का, ना रूला इस माँ की ममता को। बंधन है अनमोल ये माँ बेटे का, ना रूला इस माँ की ममता को।
ढूंढे रास्ते फासले मिटाने, वरना मीठे फासले कभी टूटे ना, ये रिश्ते कभी रूठे ना, दिल तुझसे कभी क्या यकीन इंसान का। मुसलमान हो? मुसलमान के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे गद्दार मुजाहिदों ने तुम्हें यही सिखाया क्या? मैं भी एक मुसलमान हूँ, पांचों वक्त नमाज पढ़ता हूँ, एक सच्चा मुसलमान। मुझे कोई राह से भटका नहीं सकता है। आजादी के लिए हमारे दादा परदादा ने खून बहाए हैं देश के लिए, उनकी कसम हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे आज। जिहादी का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी हूँ मैं, और हिंदुस्तानियों से खेल रहा तो कबीर छोड़ दो उन्हें। गद्दारी की सजा है शूट एट साइट सर, इन्हें जिंदा छोड़ना पाप है सर। ये दुश्मनी की भाषा है कबीर,
अल्टीमेटली टेररिज्म का भी यही भेस है। आतंकवादियों के पीछे एक जत्था होता है कबीर। इट्स अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। पठानकोट, कश्मीर और गोधरा में हादसा यूं ही नहीं हुआ था कबीर, पूरी तरह से मुआयना करके काम को अंजाम दिया था। तुम जो देख रहे हो इस मास अटैक के पीछे ही नहीं, अपने खिलाफ कोई भी आए तो हर एक शख्स की जिंदगी में ये घुस जाते हैं। इनके नकली चेहरों को सामने लाने की कोशिश की थी एक लड़की, आज वो लड़की मानसिक संतुलन खोकर अस्पताल में पड़ी है। जहरीले सांप मानव को आपस में लड़ाकर हथियारों को बेचता है। मजहब या मजहबी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है, अ प्योर बिजनेस। मजहब के कानून के नहीं, बिजनेस के कानून को अपनाने वाले लोग। इन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन रहम के काबिल भी नहीं है। हम इन्हें कानून के हवाले करते हैं। गुनहगारों को कानून के हवाले करना हमारा फर्ज है। सजा देने का हक हमें नहीं है कबीर। जब रात को अंधेरा होता है तो आप प्रकाश के आंगन में पनाह ले सकते हैं, ऐसे कुरान में लिखा है। आतंकवाद को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना ही हमारा मकसद है, और हम उसकी कोशिश करते रहेंगे। संभाल के तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। चोरी चोरी चुपके चुपके लूटा दिल तुमने, तेरे नैना मेरे नैना मिल गए देखो ओ सजन। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। दिल भी तेरा हम भी तेरे, कभी ना बिछू देंगे। जन्म जन्म का है बंधन, ये ना टूटे कभी। हम कभी ना देंगे धगा सनम, धड़कन मेरी हो तुम। दिन जवानी के अपना लो जाने जान, हर जन्म में हम मिलेंगे वादा मेरा है सनम। हर जन्म में हम मिलेंगे वादा मेरा है सनम। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे।
तुम मेरी हो और मैं तेरा, तुम बिन जीना नहीं। हाथ में तिहारे लाज मेरी, फिर क्या डर मुझे। जन्म जन्म का है बंधन, टूटे ना कभी सनम। मंजिल मेरी मिल गई है जो मैं तन मन मेरा। जीना मरना अब तेरे संग है, खाते हम ये कसम। जीना मरना अब तेरे संग है, खाते हम ये कसम। दिल ये मेरा है तुम्हारा, रखना संभाल के। तेरे बिन हम कुछ नहीं सनम, प्यार से दिल भर दे। जरूर गद्दार को सजा मिलेगी। मैंने कई बार तुम्हें माफ करके छोड़ दिया था, याद है ना? कोख से गद्दारी। यह है उसका सही इलाज। हमारे 3 जिहादी पकड़े गए सिर्फ इसकी वजह से। कभी भी पुलिस यहाँ आकर दबिश दे सकती है, घेरा डाल सकती है। हम सबको यहाँ से निकलना होगा तुरंत ही। उससे पहले इन दोनों को हम अभी कश्मीर भेजते हैं, हमारे खलीफा के हुक्म के मुताबिक। आज अल्लाह तुम पर मेहरबान है, ये सुनहरा मौका है, तुम्हें जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, इसे गंवाना मत। ये क्या जावेद, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? कहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा आसिम भाई, मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं, घर वापस जाना है मुझे। तुम जाहिलों की दुनिया में जी रहे हो, तुम्हारी किस्मत कभी की लिखी जा चुकी है, तुम्हारी आजादी के दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस में जो हमारे मुखबिर हैं, अगर उनकी दी हुई खबर सच है, वो तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके हैं। अगर दिन में तुम बाहर गए, या तो पकड़े जाओगे या पागल कुत्तों की तरह पुलिस की गोली का शिकार बनोगे। जिहाद से भागने वालों का यही हाल होता है, दोजख में जाते हैं। ये मत भूलो, अल्लाह का कहर बरपता है उन पर, हूरें भी तुम्हें नहीं नसीब होंगी। इसलिए एक जाबाज जिहादी बनकर जियो, जंगे मैदान से डर कर भागने की कोशिश मत करो। काफिरों को मटिया मेट करने के लिए सिर्फ तुम्हें ही अल्लाह ने चुना है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में है, अगर मर गए तो जन्नत में जाओगे। तुम्हें कश्मीर जाना होगा जावेद, यह अल्लाह का फरमान है।
आ जाएगा तो मार से मार से मार मार कांटों से पकड़ो से पकड़ो अब्बा 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 गुड इवनिंग आई एम लिज Welcome to the special news bulletin. National Investigative Agency has released the computer drawings of the four main suspects of the Trivandrum bomb blast. The names are Abu, Javed, Azim and Muhammad Saleem. Javed is a student in Medical College Trivandrum. The NIA spokesman in a press meet held at Trivandrum today told that they have intensified search measures for the suspects and they will be caught soon. However, the police do not rule out the possibilities of the suspects escaping to Kashmir. ये सच है। Horrible। कई बार कहा था मैंने, advice दिया, request किया, सुने तब ना? Fate। इसके अलावा क्या बोलूँ मैं? शैतान की इबादत करता था वो। It's not falak, it's lie, darkness। ये लीजिए कॉफी। चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। बाजी, हाँ? ये पांडवपुर है ना? हाँ, यही पांडवपुर है। यहाँ एक नहर हुआ करता था। हाँ, लोग कहते हैं कभी हुआ करता था। वहाँ जाकर पूछ लो। चाचा यहाँ एक नहर था और इसके बगल में सुलेमान कोई नहर नहीं था ना ही सुलेमान है यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसी के किसके बारे में पूछ रहे हो तुम यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी थी और उसके पास ही हाँ। सुलेमान कह के कोई लेकिन तुम यहाँ सुलेमान का परिवार था पता है ना हाँ बेशक था 15 साल पहले यहाँ दंगा फसाद हुआ और यही नहीं उसमें उनकी पत्नी और वो मर गए और उनका बेटा अबू वो जब छोटा था तभी भाग गया था आपने बिल्कुल सही कहा हाँ वही और फिर उसकी बहन लैला वो कहाँ है कुछ खबर है आपको ए पास मत आना शूट कर दूंगा Here, sir. It's absolutely deserted. Yeah, they have escaped. कैसे नहीं भागेंगे? जब इसके जैसा देशद्रोही जिंदा है तो. डिपार्टमेंट के लोगों को प्रलोभन देकर इसने हमारे प्लान को जान लिया सर और उस प्लान की जानकारी आतंकवादियों को इसने जरूर दी होगी सर खुद की बेटी की कुर्बानी देने के बाद भी इस बूढ़े का गुस्सा कम नहीं हुआ
कैसे खुल रहा है देखो। कभी कभार मैं अपना आफा खो बैठता हूँ कबीर। कुछ दिन पहले तुम्हें जो एडवाइस दिया था उसमें कुछ बदलाव ला रहा हूँ मैं इसके लिए। अदालत भी कभी कभार इसके सामने चुपी साधती है क्योंकि कानून के दावपेन से ये बहुत ही माहिर है। रीजन लैक ऑफ एविडेंस, कंसर्न ओवर ह्यूमन जस्टिस, सबूत का अभाव। हजार अपराधी क्यों न बच जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, यही राष्ट्र का कानून है। लेकिन इन्हें कानून के हवाले करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। These cannibals don't deserve justice. Take them. असली सूरत को छुपाकर इस नकली चेहरे के बलबूते ये हमारे देश को धोखा दे रहे हैं। I could liberate them from everything. अब मैं लिखूंगा इसकी किस्मत को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे साले, जला दूंगा तेरे को। देश की कतारों मार डालो मुझे, तो भी हम देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, सच्चा मुसलमान। आप लोग जो बोल रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम लोगों को कुछ हो जाए अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसे जहन्नम में डालेगा अल्लाह ताला। यही है कुरान। ध्यान से सुनो, आतंकवादी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। लेकिन हम आक्रमण के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर। हर पल की खबर मुझे बराबर दे रहा हूँ। बुरी खबर है सर, वो लोग धमकी दे रहे हैं, अगर उन्हें जाने का मौका नहीं दिया तो वो मौलवी और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, अबे चुप, तुम लोग बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उन्हें मत मारना, बाहर आ जाओ, हम पे भरोसा करो, तुम लोग इधर सुरक्षित रहोगे। उड़ो, चल। जल्दी चलो, अरे तेजी से भाग, फुर्ती से निकल यहां से। समीर उठो, जल्दी भागो, समीर उठो, चलो। जावेद भाई, तुम्हारे इंतजार में वहां बहुत सारे लोग हैं। अम्मी, अब्बू और मीरा, ये सब छोड़ के तुम चले जाओ, जाओ, जाओ जावेद, तुम्हें जाना होगा। जाओ। नहीं समीर, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं समीर, नहीं। जावेद जाओ यहाँ से। नहीं। अरे बोले समीर। जाओ। नहीं समीर। अय्या अल्लाह। खोलो, आगे चलो।
3 दिन पहले यह हादसा हुआ। पर्स में पहचान पत्र था, इसलिए ये पहचान में आया। किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश से ही बॉडी बहुत जल्दी मिली। अभी टाइम 6 बजने को है, लेकिन फिर भी मोहम्मद भाई का बेटा एक आतंकवादी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पर क्या करें। Ha ha ha!